हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माइनिंग कंसेप्चुअल। आज हम लोग देखेंगे लाबू सीएल माइनिंग सरदार एग्जाम 2022 का कट ऑफ एनालिसिस, और देखेंगे कि कौन सा वो क्वेश्चन है जो कट ऑफ को शिफ्ट कराएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि पेपर WCL का बहुत ही ईजी था, और जिससे कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, और बहुत सारे बच्चे हैं जो स्टूडेंट हैं वो 99, 98 ला चुके हैं, और बहुत लोग इक्का दुक्का 100 वाले भी हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो कट ऑफ का जो जाएगा वो बहुत ही हाई जाने वाला है, और इसमें जिन जो बच्चे एक्यूरेसी मेंटेन किए हैं, सर्कल एक का सर्कल दूसरे को सर्कल में ना किए हों, जैसे कि बहुत लोग सर्कल करने में गलत कर दिए हैं, और ऑप्शन होगा सी कर दिए हैं, डी हड़बड़ी में, तो उन लोगों का मिस्टेक के चलते उन लोगों का सिलेक्शन रुक सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि मतलब क्या क्या कट ऑफ हो सकता है। ठीक है, तो पहला मेरा एनालिसिस है कि जो कट ऑफ होगा वो जनरल का 98 जाएगा। 98 मिनिमम है, बढ़ सकता है, 99 जा सकता है, लेकिन 98 से कम नहीं होगा। किसी भी हाल में जनरल का कट ऑफ 98 से कम नहीं जाने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो 98 ला दिए हैं और 99 भी लाए हैं। ठीक है, और आते हैं अब हम लोग OBC पे। तो जो OBC का कट ऑफ जाएगा तो वो जाएगा मिनिमम जाएगा 96, इससे कम नहीं जा सकता, इससे भले अधिक हो जाए 97 भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे OBC में भरते हैं। आप भी जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो सबसे अधिक स्टूडेंट OBC वाले होते हैं, और अगर OBC वाले जब का कट ऑफ देखिए तो जिस तरह 98 में बताया हूँ, तो दो नंबर कम करके 96 बता रहा हूँ OBC का, काहे कि बहुत भीड़ है, 95, 94, 95 और 96, ये 94, 95, 96 में बहुत भीड़ है। तो हमको जहाँ तक लगता है कि EWS और OBC का कट ऑफ एक ही रह जाएगा, और वो जाएगा 96, और मिनिमम बता रहा हूँ, इससे कम तो हो ही नहीं सकता। हाँ, ये हो सकते कोर कंडीशन भीड़ ज़्यादा होगा, बच्चे ज़्यादा होंगे तो 97 भी जा सकता है OBC का। तो जो 96 लाए हैं OBC में वो कंफर्म नहीं है, उन वो श्योर ना समझें उनका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कट ऑफ, 97 ही रह जाएगा OBC का तो बहुत मुश्किल है 96 वाले 95 वालों का के लिए। चलिए अब चलते हैं हम SC वालों के लिए। SC वाले का कट ऑफ जाएगा, वो जाएगा 94। ठीक है, 94 मेरे ख्याल से मैक्सिमम बता रहा हूँ, मिनिमम 93, 92 तक जा सकता है SC वालों का, मैक्सिमम 94 बता रहा हूँ, उससे अधिक नहीं जाएगा, उससे कम ही रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग ST वालों का। तो ST वालों के लिए मेरा कट ऑफ है एनालिसिस WCL का कि वो उनका 90 तक जाएगा, मतलब मैक्सिमम 91, 90 तक जाएगा, और उससे कम ही रहेगा 9 ST वालों का, ज़्यादा नहीं जाएगा उनका भी। तो चलिए, ये कट ऑफ एनालिसिस है कि ये तीनों में चारों बता दिया हूँ, ये जनरल OBC और SC ST वालों के लिए। ठीक है, ये कब होगा ये कट ऑफ, जब जिस जो क्वेश्चन बोला था कि जो एक क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा उसी क्वेश्चन पे ये कट ऑफ डिसाइड हो रहा है। ठीक है, वो क्वेश्चन है डॉग कैच करके एक क्वेश्चन आया था, जिसका ऑप्शन बहुत लोग 95% लोग होलिस्ट सिस्टम मारे हैं, बट जैसे कि बहुत लोग 5% हमको लगता है, 10% लोग नन ऑफ दीज मारे हैं, क्योंकि जनरली यूज़ डॉग कैच का बहुत लोग बोल रहे हैं कि वाइंडिंग में होता है। ठीक है, तो अगर बहुत लोग जैसे 90, 95 लोग मारे हैं आपका डॉग कैच, तो डॉग कैच को मारने के बाद मैं बता रहा हूँ 98 जाएगा कट ऑफ,
जनरल का ओबीसी का 96, एससी का मैक्सिमम 94 और एसटी एससी का 1991 रहेगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, अगर डब्ल्यूसीएल का मैनेजमेंट अगर हॉलेज को कंसीडर ना करके वाइंडिंग सिस्टम अगर कंसीडर करके नन ऑफ दीज को मार्क्स देंगे तब क्या होगा, जो 90-95% जितने भी बच्चे मैं अभी तक जितने रिव्यू लिया हूँ उनका रैंक पूछा हूँ, मार्क्स पूछा हूँ और इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हूँ, तो उन सबको अभी तक वो लोग हॉले सिस्टम आ रहे हैं। अगर 95% लोग हॉले सिस्टम आ रहे हैं, अगर उनका गलत होता है तो कट ऑफ ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा और शिफ्ट करेगा एक ही मार्क्स से शिफ्ट करेगा, डैट मीन्स 97 जनरल हो जाएगा, 95 हो जाएगा ओबीसी और 93 तक चले जाएगा, मतलब मैक्सिमम होगा आपका एससी वालों का और 89-90 चला जाएगा एसटी वालों का। ठीक है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 95 रहेगा। ठीक है, इससे नीचे कट ऑफ नहीं जाने वाला है, कंपटीशन बहुत टफ है, बच्चे बहुत थे और ऐसा पेपर था कि जो एक महीना पढ़ा हो वो भी 95 प्लस मारा है और जो 8 महीना साल भर 3 साल 2 साल जितने भी साल से तैयारी कर रहा है वो भी 95 प्लस मारा है। ठीक है, रह गया बात डिफरेंस कहाँ क्रिएट हुआ है, डिफरेंस क्रिएट हुआ है एक्यूरेसी में, इनका एक्यूरेसी सही था वो अपने एक्यूरेसी से मार्क्स मतलब जो सर्कल डार्क करने में सही किए हैं और जिनको थोड़ा सा हड़बड़ी में थोड़ा सा ए का बी का सी मार दिए हैं तो वो सर्कल में गया है उनका, तो जो कटा है मार्क्स तो हमको लगता है जो कट उठ कर भी 98 तो चला ही जाएगा जनरल का। तो देखिए ये कट ऑफ एनालिसिस है, ये क्वेश्चन जो डिसाइड करेगा कट ऑफ शिफ्ट होने का वो है डॉग कैच वाला, डॉग कैच रिलेटेड टू विच ये क्वेश्चन था और ऑप्शन में 90% लोग हॉले सिस्टम मारे हैं और हमको तो 5-10% लोग नन ऑफ दीज मारे हैं वो वाइंडिंग सिस्टम को समझ कर। देखिए जो डिटेल में पढ़े होंगे वो वाइंडिंग सिस्टम मारे होंगे, जो नॉर्मल पढ़े हैं जो रेगुलर उतना डिटेल नहीं गए मैकेनिकल वाले माइंड मशीनरी में तो हॉले सिस्टम मार के चले गए हैं। तो देखिए यही एक क्वेश्चन है जो गेम चेंज कर देगा, मतलब पूरा ये सिलेक्शन का प्रोसेस को शिफ्ट कर देगा पूरा कट ऑफ को भी। और देखिए बहुत लोगों का सिलेक्शन एक मार्क्स से भी रुक सकता है क्योंकि ये जो कट ऑफ शिफ्ट होगा ना इसी में बहुत लोग का डिसाइड हो जाएगा सिलेक्शन। और देखिए आई होप कि मतलब जितने लोग का जो मैं रैंक कट ऑफ प्रिडिक्शन किया हूँ उतना तक आ रहा है पूरा वेल एंड गुड सेफ है और उनसे जिनका नीचे है वो उम्मीद तो उतना ना कही ना ही करें, भगवान भरोसे छोड़ दीजिए आप लोग, देखिए क्या होगा, लेकिन जिनका कट ऑफ में बताया हूँ उतना जा रहा है वो सेफ हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए कि अब ये डब्ल्यूसीएल के मैनेजमेंट क्या कंसीडर करती है डॉग कैच के को लेकर। और देखिए हमको लगता है कि यही कट ऑफ ऑलमोस्ट रहेगा। ठीक है, इससे कुछ चेंजिंग नहीं होने वाला है और अगर कोई बोलता है कि नहीं नहीं इतना हाई कट ऑफ नहीं जाएगा तो वो गलत है, वो उनका सोच गलत है क्योंकि इतने सारे बच्चे दिए हैं और ऑलमोस्ट मैं बता देता हूँ 1000-2000 लोग 90+5 मारे हैं, 95+ मारे हैं और 90-98 के बीच में है सब। और यह भी चौंकाने वाला ही होगा कि जिनका 96 आ गया 98 आ गया या फिर एक और का 98 आ गया टाई हो गया तब ये गेम चला जाएगा, पूरा उनका सिलेक्शन चला जाएगा एज क्राइटेरिया पे। ठीक है, तो इस पूरे WCL के वैकेंसी में एज बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, एज पे ही बहुत लोगों का सिलेक्शन होने वाला है और एज के चलते ही बहुत लोगों का सिलेक्शन रुकने वाला है। तो यही है मेरा कट ऑफ एनालिसिस माइंस इधर WCL माइंस इधर 2022 के लिए। तो आई होप मैं प्रे करता हूँ जिनका कट ऑफ अपने में जो रैंक बताया हूँ मतलब मार्क्स बताया हूँ मार्क कट ऑफ है उतना आ रहा है
वो लोग सेफ़ हैं, वो लोग रिलैक्स रहे हैं, उनका एक दो नंबर से रुक रहा है, वो भगवान भरोसे रहेंगे उनका सिलेक्शन, वो देखिए ऊपर वाला क्या करता है, कहाँ तक जाएगा। लेकिन इस तरह का सीट कम होने के चलते बच्चे बहुत हैं और इतना इजी पेपर रहने के चलते हाँ तो ये कटअप जाएगा ही जाएगा, ठीक है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो बोलेगा कि नहीं इतना हाई जाएगा नहीं, तो आप लोग गलत सोच रहे हैं, गलत सोच है। आप देखिए, निकलिए बाहर, बहुत बच्चे हैं माइनिंग में, ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आए थे, इस पेपर को दिए हैं और इसका कटअप बता दिया है बहुत टफ है। अब देखिए, जो बच्चे एक्यूरेसी मेंटेन किए हैं उन्हीं का सिलेक्शन हो पाएगा इस एग्ज़ाम में और इस वैकेंसी में। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कौन सा वो क्वेश्चन जो आपका सिलेक्शन रोक सकता है या सिलेक्शन करा सकता है, ठीक है। तो वो डॉग कोच वाला ही क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन और सिर्फ जो पूरा आपका कटअप शिफ्ट करा देगा, ये क्वेश्चन ही आपका सिलेक्शन दिला सकता है, सिलेक्शन रोक भी सकता है। तो ठीक है, आप लोग इसी तरह माइंड कंसेप्ट से उससे जुड़े रहिए। आपको क्या लगता है आपके हिसाब से कटअप, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना राय बताइए कि क्या कटअप एनालिसिस मेरा सही है या फिर आपको क्या लगता है इस कटअप एनालिसिस के तहत, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माइंड कंसेप्ट।